हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, इस बार जो 45th G7 की समिट हो रही है फ्रांस में, जो ख़त्म हो चुकी है, वहां पे इंडिया को एज अ स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया था। तो इसकी वजह से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरा जो G7 की हिस्ट्री है, ये जो पूरा ग्रुप है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे पूरा हिस्ट्री जानेंगे G7 का, और एक एनालाइज करेंगे कि आखिरकार क्यों चाइना और इंडिया जैसे देश G7 ग्रुप में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हैं, PM मोदी टू अटेंड G7 मीटिंग इन बियरिट्ज। और सबसे पहले हम समझेंगे ये जो ग्रुप्स होते हैं, G7 हो गया, G20 हो गई, ये जो ग्रुप्स हैं आखिर ये फॉर्म क्यों किए जाते हैं, इनका मेन मकसद क्या होता है। सबसे पहली बात कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टेररिज्म की समस्या हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, ये सबको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं इन सारे ग्रुप्स को बनाया जाता है। और रिसेंटली जैसे कि आप देखिए, जो अमेजोन में फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो ये जो G7 की जो मीटिंग हुई है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो फंडिंग है इसको रेज करने के लिए, ताकि अमेजोन फॉरेस्ट को बचाया जा सके, उसकी भी चर्चा हुई है। तो समय समय पर इस तरह की जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस किया जाता है इन सारे ग्रुप्स में, और ये एक तरह का बैलेंसिंग का काम करते हैं। मतलब कि अगर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो एक तरह से उसको किस तरह से सुलझाना है, वहां पे भी मौका मिलता है, ताकि इन सारे इश्यूज को सुलझाया जा सके। और इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, ये बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, काफी बड़े बड़े इकोनॉमीज होते हैं। आप G20 का एग्जाम्पल लीजिए, और जो G7 है वो तो बहुत बड़े कंट्रीज इसके अंदर शामिल होते हैं। G7 की अगर हम बात करें, यहां पे उसकी हिस्ट्री की बात करें, तो इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7। मतलब कि ये 7 कंट्रीज को मिलाकर होता है, जो कि मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं पूरे वर्ल्ड में, जो जहां पे इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा फैला हुआ है, ये इकोनॉमीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, वो हुआ था बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑयल क्राइसिस जो आया था। दोस्तों, आपको पता है 1973 में जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने जो सप्लाई है उसको कम कर दिया था, जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं, आपस में जो टेररिज्म की प्रॉब्लम थी, जो अटैक्स हो गए थे कंट्रीज के बीच में, जो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम थी स्पेशली वहां पे, उसकी वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज हो गए और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था पूरे वर्ल्ड में। तो स्टार्टिंग में G7 को बनाया ही इसीलिए गया था, ताकि ये जो क्राइसिस हुआ है उस पे बातचीत हो सके। और इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था, वो हुआ था फ्रांस के शहर रैमबोले में, और ये हुआ था 1975 में। मतलब 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ, और 1975 में इसकी पहली मीटिंग होती है इसको सॉल्व करने के लिए। अब आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि जो G7 के इस समय प्रेजेंट में मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर आप एशिया की बात करें, तो सिर्फ एक सिंगल मेंबर है, जो कि है जापान। फिर यूरोप में आपका इटली आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, मतलब 4 कंट्रीज यूरोपियन देश से हैं। और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की बात करूं, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा है। ये जो कंट्रीज होते हैं दोस्तों, इनका काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में। जैसे कि आप बात करिए एक्सपोर्ट की, तो ये सारे कंट्रीज लीडिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज होते हैं, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। इनके पास जो गोल्ड रिजर्व हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं। आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा माइनिंग से, मैं माइनिंग रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूं। इनके पास जो इनके सेंट्रल बैंक में, इनके जो गवर्नमेंट के पास रिजर्व रखा गया है गोल्ड का, वो काफी ज्यादा मात्रा में है। इनकी जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, वो भी सबसे लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। साथ में अगर आप यूएन के बजट की बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका जो ज्यादातर बजट है, वो ये सारे कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ में जब भी G7 की मीटिंग होती है, तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे कंट्रीज को स्पेशल इनवाइट किया जाता है। जैसे कि पुराना अगर आप देखें, तो कई बार IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑलरेडी बुलाया जा चुका है पास्ट में G7 की मीटिंग्स में। साथ में अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग कंट्रीज होते हैं, उनको भी इनवाइट किया जाता है, जैसे कि इस बार इंडिया को इनवाइट किया गया है एज अ स्पेशल इनवाइटी।
अब दोस्तों कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि G7 क्या है और G8 क्या है, तो मैं बता दूं कि ये जो G7, G6, G8 ये एक ही ग्रुप है दोस्तों, समय समय पर इनके नाम चेंज होते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था 1975 में इसकी पहली मीटिंग होती है, तो 1975 में इसमें सिर्फ 6 मेंबर्स थे, यहां पे रशिया नहीं था और कनाडा नहीं था, तो यहां पे सिर्फ इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएसए कंट्रीज थे। बाद में 1976 एक साल बाद कनाडा को भी ज्वाइन करा दिया जाता है, और आगे चलकर 1998 में, अब देखिए जब कनाडा ज्वाइन हो जाता है तो यहां ये G7 बन गया, फिर 1998 में रशिया को इनवाइट किया जाता है और फिर रशिया भी इसका मेंबर बन जाता है, इसकी वजह से ये G8 बन जाता है 1998 में। लेकिन 2014 में जाकर ये रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं आप, और ये फिर से हो जाता है आपका G7। 2014 में जब रशिया को निकाला गया था, इसका मेन कारण था कि जो रशिया ने एनेक्सेशन किया है, ये G7 कंट्रीज का मानना था कि रशिया ने एनेक्स कर लिया है क्राइमिया को। आप इसको यहां अच्छे से मैप में देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड में जो येलो कलर में ये यूक्रेन है, और नीचे जो क्राइमिया स्टेट है इसकी भी अलग हिस्ट्री रही है दोस्तों, उसमें हम नहीं जाकर, सिंपली आप ये समझिए कि रशिया ने इसको क्राइमिया पर पूरा कब्जा कर लिया। उनका ये कहना था कि उन्होंने रेफरेंडम कराया है सही तरीके से, और उनका जो वोट है लोगों ने रशिया के सपोर्ट में किया है। यहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ये ब्लैक सी है, आपको पता होगा ये है आपका अजोव सी, और ये जो स्ट्रेट ऑफ क्रिज भी है इसके बारे में आप और अच्छे से मैप में देख लीजिएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि G7, G6, G8 ये समय समय पर अलग अलग नाम रहे हैं एक ही ग्रुप में। अब हम अपने एनालिटिकल पार्ट में आते हैं, जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाइना और इंडिया, स्पेशली मैं चाइना की बात करूं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद भी ये G7 जैसी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट क्यों नहीं है। इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि G7 की स्ट्रेंथ क्या है। आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये 7 वेल्दीएस्ट नेशन है पूरे वर्ल्ड में, ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं। अगर मैं इसकी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब कि आप इसको जीडीपी कह सकते हैं, मतलब कि जब पूरे कंट्रीज की जो इनकम होती है, मतलब कि अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस की जो टोटल इनकम है उसको आप डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, वहां की पॉपुलेशन से आपका निकल आता है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इन सारे जो 7 कंट्रीज हैं इनकी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $40,000 से भी ज्यादा है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हाई है। अगर हम किसी कंट्री को दर्जा देते हैं हाई इनकम कंट्री का, तो जब भी उस कंट्री की पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $12,056 से ज्यादा हो जाती है, उसको हम कहते हैं हाई इनकम कंट्री। आप यहां देख सकते हैं जो G7 में कंट्रीज हैं, वो हर एक कंट्री की जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो 40,000 से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ऑलरेडी $12,000 से। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ में अगर आप देखेंगे इनकी जो ग्लोबल जीडीपी है इन 7 कंट्रीज की, ये करीब आती है 45% से भी ज्यादा, और इनकी टोटल जो जीडीपी है वो है $40 trillion। लेकिन मैं वही चाइना की बात करूं, आपके मन में डाउट होगा कि चाइना भी तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी जो जीडीपी है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। लेकिन आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि इसकी जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है, जिसकी मैंने आपसे बात की, जो कि G7 कंट्रीज की $40,000 से ज्यादा है, यहां पे चाइना की जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो सिर्फ $8,000 के करीब है। अब क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है चाइना में, इसकी वजह से जो इसकी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम आता है वो काफ़ी कम है। अगर हम किसी भी कंट्री को अगर मजबूत मानते हैं, उसको डेवलप्ड मानते हैं, तो हमें जो ओवरऑल जीडीपी है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर हमें पर कैपिटा पर देखना होगा, क्योंकि पर कैपिटा ही एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट करता है। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी हो जाए, अगर आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होगा इसकी वजह से, इसका मतलब है आपके देश में काफ़ी ज़्यादा अभी भी लोग पॉवर्टी में हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना में अभी भी सिर्फ $8,000 है, जो चाइना की आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्राफ लगाया है 2010 से लेकर अभी 2018 में, ये करीब $8,000 पहुँच गया है। साथ ही
ही साथ चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से अभी भी मॉडर्नाइज नहीं हो पाई है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक लेक्चर बनाया था जहां पे चाइना की जो करेंसी मैनिपुलेशन है वो काफी ज्यादा करती है। इसको आप और अच्छे से समझना है तो आप ये वाला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चाइना लगातार करेंसी को मैनिपुलेट करता रहता है ताकि उसकी जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट होती रहे। ये आप लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे मेन, जैसा कि मैंने आपको कारण बताया, चाइना में उनकी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम कम है। यही सेम रीजन अगर आप देखें इंडिया की, तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक जो रैंकिंग निकालती है जीडीपी में, वो इंडिया 2 places शिफ्ट हो गया है, मतलब कि वापस 5th rank से वो वापस 7th rank पे आ गया है। तो यहां पे स्टिल अगर हम 7th rank पे हैं, स्टिल अगर आप देखें जो G7 कंट्रीज हैं उसमें इटली और कनाडा से हमारी रैंकिंग अच्छी है। लेकिन अगेन अगर आप इंडिया के पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें तो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ $2,000 के आसपास हैं हम। आप चाइना का मैंने आपको बताया था 8,000 पहुंच गया है, लेकिन इंडिया का आप यहां ग्राफ में देख सकते हैं कि काफी अभी भी कमी है हमारे यहां, सिर्फ $2,000। तो इसको कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं दोस्तों हम एक डेवलप्ड इकोनॉमीज में आ सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको G7 2019 की जो मीटिंग हुई थी उसको जल्दी से बता देता हूं। ये 45th G7 समिट था जो कि बिरिट्स फ्रांस में हुआ था, और ये जो समिट होती है G7 की, ये दोस्तों एनुअली होती है। अगर आपके एग्जाम में आता है बाई एनुअली या फिर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि हर साल इसकी मीटिंग होती है। साथ में इस मीटिंग में जो भी एजेंडा तय किया जाता है, जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंटशिप होती है, मतलब कि इस बार फ्रांस में हो रहा है, मतलब फ्रांस के पास प्रेसिडेंटशिप है, इसकी वजह से जो भी एजेंडा होगा तय वो फ्रांस के द्वारा लिया जाएगा। और इस बार 2019 का जो मेन फोकस है इस बार की मीटिंग का, वो था फाइटिंग इनकम एंड जेंडर इनइक्वालिटी और प्रोटेक्टिंग बायोडायवर्सिटी। मतलब एक तो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया और दूसरा इकोनॉमी में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने से हो गया। तो आई होप, लास्ट में एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि जैसे कि इस बार इंडिया को इनवाइट किया गया है G7 में, तो इससे क्या फायदा होता है इंडिया जैसे कंट्री को? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया जैसे कंट्री को, ताकि एक अलग अलग जो बड़ी इकोनॉमीज हैं G7 में उनके साथ बायलैटरल डिस्कशन कर सके। जैसा कि आप यहाँ नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर काफी फेमस हुई है जहां पे ट्रंप और मोदी एक साथ मिले और काफी एक फ्रेंडली सा जेस्चर यहां पे दिखा। तो कई सारे इश्यूज आप देखिए, कश्मीर का इश्यू रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चे में है, तो इसको कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री है वो इंटरनेशनल तौर पर काफी अपना अच्छा इमेज बना सकती है, एक अच्छा पैगाम ले जा सकती है वहां पर। तो आई होप दोस्तों ये पूरा लेक्चर जो था व्हाई चाइना इंडिया नॉट पार्ट ऑफ G7 और पूरा जो G7 की हिस्ट्री थी ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।